शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। खाने के लिए बुला रही हूँ तो देवर जी को क्यों नहीं? वैसे चाहती नहीं कि वो डिनर पर आए, फिर भी कहना तो भाभी का फर्ज होता है ना। अंबर भैया, डिनर रेडी है, सब वेट कर रहे हैं आपका। और वैसे भी माँ जी को आपसे कुछ बात करनी थी, वो सुबह कर नहीं पाई थी ना, आप तो जानते ही हैं क्यों। चलिए ना भैया, सब खाने पर वेट कर रहे हैं, खाना एकदम रेडी है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं देवर जी। वैशाली, अब कौन सी बात करनी है माँ को? आजकल तो नियति की शिकायतों के अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं है उनके पास। तंग आ गया हूँ सुन सुनकर उनकी कंप्लेंट्स और नियति की सफाइयां। अभी तक यहीं बैठे हो? चलो बाहर डिनर लग गया, चलो। नियति, मेरा खाना ऊपर ही ले आओ, मेरा सच्ची मन नहीं है, पता नहीं किसे हमारी प्रेजेंस खटक जाए। कैसी बातें कर रहे हो, चलो ना। नियति प्लीज ना, कभी मूड नहीं होता इंसान का। सच कहूं तो मन मेरा भी नहीं है। तो एक काम करो, दोनों का खाना ऊपर ले आओ। कैसे जाऊं नियति भाभी के रूम में, फोन भी नहीं कर सकती उनको, माँ ने जो ले लिया उनका फोन। ओ गॉड, अब तो बाबूजी भी उठ गए और थोड़ी देर में सब जाग जाएंगे, फिर हाँ मैं अंबर भैया को फोन करती हूँ। नहीं, मैं अंबर भैया को लैंडलाइन से फोन करती हूँ। काम करो, इस फोन को साइलेंट पे डाल दो, नहीं तो आज ये सोने नहीं देगा। हमारे घर का नंबर है, कौन फोन कर रहा है? थैंक गॉड भाभी आप आ गई। अरे लेकिन हुआ क्या? ये मैसेज पढ़िए। भाभी अब क्या होगा? कन्नू एक काम करो, तुम जल्दी से नहा कर तैयार हो जाओ और
मैं भी नहा लेती हूँ, फिर हम चलते हैं। चलो जल्दी जाओ। देखो जैसा मैंने कहा वैसा ही करो गावड़े, इस केस में मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं चाहिए, समझे तुम? ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। अरे आप लोग, मैडम आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम कल से आपके नंबर पर ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप उठा ही नहीं रहे। फिर हमें इनके नंबर पे आपके लिए मैसेज छोड़ना पड़ा कि आज आपको यहां 9 बजे आना है। आइए बैठिए। वैसे आपको यहाँ देखकर मुझे हैरानी हो रही है। बात क्या इंस्पेक्टर? आपके लिए एक खुशखबरी है, हमने इनके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया है और अब वो हमारी हिरासत में है। रियली? यस। ये तो आपने बहुत अच्छा किया इंस्पेक्टर, जो आपने उसे ढूंढ लिया। कहां तक भागता मैडम, हमने बहुत सारे लोगों को उसके पीछे लगा रखा था। वैसे कनिका जी, क्या अब आप अपना बयान देने के लिए तैयार हैं? जी मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूं। गुड। सावंत, लेटर पैड और पेन लेकर आओ जरा। अभी लाया। ये लीजिए। इंस्पेक्टर, मैं 2 मिनट के अतुल से बात कर सकती हूँ? व्हाई नॉट, लेकर आओ। जा भी ले। हेलो साहब। देखा, हो गई ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व? कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मतलब? यह तो नहीं है। ये किसे पकड़ लाए आप अतुल की जगह? मैडम ये वही आदमी है जिसने उस रात उस आदमी को अपनी बाइक से उड़ा दिया था। आपको पता है कि वो मरने वाला आदमी कौन था? वो मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट का बेटा था। मरने वाले को मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर, लेकिन जिस बाइक ने उसे उड़ाया था वो अतुल था, ना कि ये। मैं उस रात अतुल के साथ थी, ना कि इसके। इस बेचारे को तो मैं जानती तक नहीं। सर सर सर, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर आप इनसे भी पूछ सकते सर। ए, क्या बोला था मैंने? अपना मुंह बंद रख। देखिए मैडम, वो एक्सीडेंट जिस बाइक से हुआ है वो इसी का है। बाइक के सारे पेपर्स इसी के नाम पे हैं, हमने आरटीओ से कंफर्म किया है। लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि एक्सीडेंट इसने किया है? इंस्पेक्टर, आपके सामने जब आंखों देखा गवाह मौजूद है, ये कह रही है कि अतुल बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट उसने किया है, तो आप मान क्यों नहीं रहे? हाँ इंस्पेक्टर, एक्सीडेंट अतुल ने किया है। उस रात अतुल की बाइक खराब थी इसलिए वो अपनी फ्रेंड की बाइक लेकर आया था। देखिए इंस्पेक्टर, हम इसे नहीं पहचानते हैं, आपने खामखा इसे पकड़ रखा है। जब एक्सीडेंट अतुल ने किया है तो आपको उसके खिलाफ केस बनाना चाहिए ना। देखिए मैडम, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये आप हम पर छोड़ दीजिए। केस तो उसी आदमी के खिलाफ बनेगा जिसकी वो बाइक थी, जिसके नाम की उस बाइक की पेपर। ए, ले ले सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैडम आप ही बोलिए ना सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। एक बात बताइए इंस्पेक्टर, आप इस एरिया के इंस्पेक्टर है ना, तो आपके नाम पर कोई जीप तो अलॉट होगी पुलिस की तरफ से। हाँ, मगर क्यों? तो मान लीजिए किसी दिन आपकी जीप चोरी हो जाती है और उस चोर से आपकी जीप से एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में किसी की जान भी चली जाती है,
तब पुलिस किसे पकड़ेगी, चोर को या आपको? अतुल को ढूंढिए इंस्पेक्टर, उसकी जगह किसी मासूम को गिरफ्तार करके हमारे सामने लाने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो कन्नू। कोई फायदा नहीं हुआ आने का, हमने थाने जाकर इतनी बड़ी रिस्क ली और पुलिस भी पता नहीं किस बेचारे को गिरफ्तार किए बैठी है। अगर माँ को ये बात पता चली तो पता नहीं क्या होगा। पता नहीं, लेकिन अब इतना आगे बढ़ चुके हैं, पीछे भी नहीं हट सकते। शायद हम दोनों का ही टाइम बुरा चल रहा है, तभी तो देखो ना मम्मी जी की नाराजगी भी कम नहीं हो रही है और ना ही अतुल अरेस्ट हो रहा है, और ये दोनों ही बातें एक से बढ़कर एक दुखदाई है। लेकिन अब हम क्या करेंगे भाभी? कोशिश करते रहेंगे, क्या पता हमारे दोनों ही दुख दूर हो जाए। अगर एक भी हो जाए तो भी बहुत है। सच में अगर माँ पूछेंगी कि हम कहाँ गए थे तो हम ये कहेंगे कि हम मंदिर गए थे। नहीं कन्नू, हम सच कहेंगे। क्या हम ये बता देंगे कि? हाँ, यही बताएंगे कि हम पुलिस स्टेशन गए थे बयान देने के लिए। नो, हम ये नहीं कह सकते भाभी, हम कुछ और बात बना देंगे। लेकिन भाभी आप प्लीज मेरी खातिर आप ये बात प्लीज किसी को मत बताना। सॉरी कन्नू, ये सॉरी और प्लीज इन सब से पिघलकर पहले ही मैं अपना और तुम्हारा काफी नुकसान कर चुकी हूँ कन्नू। अब मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं है। मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि चाहे जितने भी अच्छे मकसद के लिए झूठ बोला जाए, लेकिन अंत में वो झूठ सबको दुख दे देता है, जबकि सच को बोलने के लिए कितनी भी मुश्किलें लगे, लेकिन अंत में सच सारी मुश्किलें हल कर देता है। चलो। ऐसा आपको लगता है भाभी क्योंकि आप सच्ची हैं और हमेशा सीधे रास्ते पर चलती है, इसलिए आप में सच बोलने की हिम्मत है। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए मुझे सच बोलने में डर लगता है भाभी। हेलो, इंस्पेक्टर शिंदे। यस सर। क्या हुआ मेरे केस का? सर, हम तो इस केस को कब का रफा दफा कर चुके होते हैं, लेकिन उस लड़की की भाभी ने जैसा कसम खाकर बैठ गई कि वो अतुल को सजा दिलवाकर ही रहेगी। सर, और भी कई लोग हैं जो हमारे ढीलेपन पर सवाल उठा रहे हैं। शुक्र है कि मीडिया को इस बात की कोई भनक नहीं है कि आप भी इन्वॉल्व हैं इस केस में, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, वरना अब तक तो ये तो वाकई फिक्र वाली बात हो गई। नहीं नहीं सर, फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं। हमने अपने लेवल पे इस केस का एक हल ढूंढा है। अगर हमारा कार्ड चल गया तो ना तो कोई हम पर सवाल उठाएगा और न ही मीडिया इंटरेस्ट लेगा इसमें। ठीक है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, मुझे ये मामला हमेशा के लिए खत्म चाहिए, समझे? ओके सर। सर आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। जय हिंद सर। जो भी करो जल्दी करो, ऐसे लगता है जैसे कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी रखी हो। एक कप चाय मिलेगी? सुनिए जी, अन्नी कितना सहम सी गई है, हमें लगता है कि उस लड़के के खिलाफ पुलिस में। कैसी बातें कर रही हो भारती? अरे लेकिन ये हमारी बेटी की सेफ्टी का सवाल है। जब से वो बदमाश हमारी बेटी का पीछा कर रहा है तब से हमारी बच्ची बाहर चौखट के बाहर पैर रखने से भी डरने लगी है। अब आप ही बताइए क्या करें हम। अरे अपनी बच्ची का चेहरा देखा है,
कैसे उतर सके है उसका चेहरा? सब देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे खाली हाथ थाने जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक हम पुलिस वालों के हाथ में दान दक्षिणा नहीं रखेंगे ना, वो एक पत्ता भी नहीं हिलाएंगे हमारे लिए। तो क्या करें हम? ऐसे में तो उस बदमाश की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। इन हालात में हम हाथ पे हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते ना। ठीक है, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। फिर हम थाने भी जाएंगे, उस बदमाश के खिलाफ FIR भी लिखवाएंगे, और साथ में पुलिस वालों के हाथ में कुछ चाय पानी के लिए भी रख देंगे। लेकिन उसके बाद भी तुम ज्यादा उम्मीद मत लगाओ कि पुलिस वाले उसके बाद भी बदमाश के खिलाफ कुछ करने वाले। हाँ, अगर हम पैसे वाले होते तो बात और थी। तुम अन्नी से कहो कि थोड़ा संभल कर जाए। मुबारक हो देवयानी, हमारे यहाँ नए DSP आ रहे हैं। तो इसमें खुशी की कौन सी बात है? रोज इंस्पेक्टरों के तबादले तो होते ही रहते हैं। अरे तबादले तो होते रहते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि जब भी तबादले होते हैं हमारे यहाँ करप्ट ऑफिसर्स ही आते हैं। अच्छा भाई, हम तो चले। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो कवि सम्मेलन है ना, वही। आज जाने की कोई जरूरत नहीं है, कवि सम्मेलन तो एक हफ्ते तक चलने वाला है, आप कल चले जाइएगा। क्यों भाई? क्योंकि आज घर में भी एक सम्मेलन होने वाला है, आपकी उपस्थिति जरूरी है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली हूँ, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। अरे माँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आज दुकान जल्दी जाना था ना। शकुंतलम टेक्सटाइल्स वाले आ रहे हैं ना। समीर, उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दो, फोन करके कोई भी बहाना बना दो कि वो आज नहीं आए। अरे माँ, जो मैं कह रही हूँ वो करो। चलिए नाश्ता कर लीजिए, आज आपको दुकान जल्दी जाना था ना। बड़ी, आज समीर दुकान पे नहीं जा रहा है। और हाँ, मुझे तुम सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। जाओ मंजली, अंबर और नियति को भी बुला कर लाओ। अंबर भैया। अरे भाभी, नियति कहाँ है? पता नहीं भाभी, मैं तो खुद अभी उठाऊं। आप दोनों को माँ जी बुला रही हैं। अच्छा, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। गई कहाँ ये नियति? ना किचन में है ना यहाँ है। कनिका, लो भाई, यहाँ कनिका रानी नदारद है और वहां नियति महारानी। कहाँ गई ये दोनों? अभी पता चल जाएगा। ये रहा। नौ बजे के करीब 8-8 मिस्ड कॉल्स, इतना डेस्परेटली कौन याद कर रहा था मुझे? कोई लैंडलाइन नंबर है? हेलो, माफ कीजिएगा, ये नंबर कहाँ का है? व्हाट,